नमस्कार, आज हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बिल्ड टू शिप टू मॉडल इन केस ऑफ सर्विसेज एंड उसका लिंकिंग विद रेस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स है तो क्या होगा, सर्विस है तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दी है, पार्टी ए ने दी है और वो एक्चुअली काम एग्जीक्यूट हुआ पार्टी बी के यहां पर, पार्टी ए के कहने पर काम एग्जीक्यूट कहां पे हुआ, पार्टी बी, और मान लीजिए पार्टी ए का स्टेट दिल्ली है और पार्टी बी का स्टेट मुंबई है, देन द क्वेश्चन कम व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ द सप्लाई। सप्लायर जब इस केस में बिल टू शिप टू मॉडल में जब बिल रेज करेगा तो बिलिंग पार्टी ए है, शिपिंग पार्टी बी है। नाउ व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ द सप्लाई, वुड इट बी दिल्ली और वुड इट बी मुंबई, दैट इज अवर मेन क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। पहला बात, क्या बिल टू शिप टू मॉडल, क्या बिल टू शिप टू मॉडल सर्विस के केस में हो सकता है? आंसर इज 100% यस। बिल टू शिप टू मॉडल सर्विस के केस में हो सकता है। और ये बात मालूम है कैसे प्रूव हुई? ये प्रूव हुई 1 फरवरी 2019 को, जब जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के कारण एक 16 सबसेक्शन 2 में क्लॉज बी में एक नया एक्सप्लेनेशन ऐड किया। 16 सबसेक्शन 2 बी क्या चीज का है? 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी हमें बताता है कि आपको आईटीसी मिलने की जो भी कंडीशन है उसमें एक कंडीशन ये है कि यू हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, एंड वहां पे एक डीमिंग प्रोविजन है। और डीमिंग प्रोविजन पहला ये कहता था बिल टू शिप टू, जो बिल टू शिप टू मॉडल है वो गुड्स के केस में मान लिया जाएगा कि बिलिंग पार्टी को माल मिल गया है। नाउ सेकंड दे आर सेइंग इन केस ऑफ द सर्विसेज, ये मान लिया जाएगा बिलिंग पार्टी को वो सर्विस पे मिल गई है। देखो ये बात कहां ऐड की है, 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में ऐड की है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिलिंग पार्टी आईटीसी ले सकती है सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। भाई क्लॉज बी के रेस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बिलिंग पार्टी वो मान लिया जाएगा कि वो सर्विस उसको रिसीव हुई है, दैट्स इट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आईटीसी लेने की सिर्फ एक कंडीशन है कि माल मिल गया या सर्विस मिल गई, यू विल से आंसर इज नो, बिकॉज बहुत सारी कंडीशन है, 5 कंडीशन वो हो गई और एक हम ये कहते हैं कि प्लेस ऑफ द सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई, मल्टीपल चीजें हम देखते हैं, उसमें एक कंडीशन गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हो गई वो क्लॉज बी बात करता है। आइए सर आगे बात करते हैं। अब मेरा मेन क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई जेड एक कंपनी है, इन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दी, सर्विस किसको दी? बिल तो रेज किया ए को, बट ए के कहने पर जो इसने डायरेक्टली सर्विस दी वो सर्विस दी बी को। ए का लोकेशन दिल्ली है और बी का लोकेशन मुंबई है। अब जब एक्स वाई जेड बिल रेज करेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो बिल रेज होगा वो बिल ए को होगा। अब पॉइंट ये आता है इस केस में एक्स वाई जेड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखेगा, विल इट बी दिल्ली लोकेशन और विल इट बी मुंबई लोकेशन। अब देखो गुड्स के केस में और सर्विस के केस में हमें थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? गुड्स के केस में हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट, 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट। वो क्या बताता है कि अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो बिलिंग पार्टी का जो भी बिजनेस प्लेस है मान लिया जाएगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो देखो अब दो बातें समझिए, 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के एक्सप्लेनेशन ने कहा कि आपको गुड्स और सर्विस रिसीव होगी, और इसने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका लोकेशन है, और तभी हम कहते हैं कि बिल टू शिप टू मॉडल के केस में, गुड्स के केस में बिलिंग पार्टी को आईटीसी लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। चलो सर अब अगर मैं सर्विस की बात करता हूं, पहला क्वेश्चन आपसे, क्या सर्विस के केस में, पहला क्वेश्चन आपसे,
क्या सर्विस के केस में बिल टू शिप टू मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई सेपरेट क्लॉज है? क्या बिल टू शिप टू मॉडल के लिए कोई सेपरेट क्लॉज है जिसे गुड्स में बनाया गया था? यू विल से नो, करेक्ट, यू विल से नो। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो बिलिंग लोकेशन है, मतलब मिस्टर ए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ए का लोकेशन है दिल्ली, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? अब इस बात का आंसर करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा क्या सेक्शन 12, मैं सर्विस की बात कर रहा हूं, क्या सेक्शन 12 ये बात अलाउ करता है? एक बार चलते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 क्या कहता है कि वहां पे एक सबसेक्शन 2 जो कि जनरल प्रोविजन है, और स्पेसिफिक कहां पे गवर्न है, 3(2) सबसेक्शन 14, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका प्रोविजन, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो अगर 3(2)14 में कवर है, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई इसके अकॉर्डिंग निकालोगे, अदरवाइज 12(2) के अकॉर्डिंग निकालोगे। मेरा इनिशियल क्वेश्चन याद कीजिए, मैंने यहां पे क्या कहा था, एक्स वाई जेड इज प्रोवाइडिंग द इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज, एक्स वाई जेड इज प्रोवाइडिंग द इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज टू ए, एक्चुअली ही इज प्रोवाइडिंग टू बी, बट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए एंड ए इज मेकिंग द पेमेंट, सो ए बिकम द रिसिपिएंट। अब इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज, आई कैन से इट इज विद रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो इट इज कवर्ड बाय द सबसेक्शन 13, सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी। उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या था, बी का लोकेशन। इट मींस जो प्लेस ऑफ द सप्लाई है वो आ गया मेरा मुंबई, प्लेस ऑफ द सप्लाई मुंबई आ गया। अब जब ये बिल रेज करेगा, एक्स वाई जेड पार्टी जब ये बिल रेज करेगी, तो बिल तो ए को करेगी, लेकिन उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मेंशन होगा, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई मेंशन होगा। लेट्स से एक्स वाई जेड इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली, तो कौन सा टैक्स चार्ज होगा, आईजीएसटी। वी ऑल नो दैट सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट सेज दैट व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट वन यूनियन टेरिटरी, तो वो ट्रांजेक्शन क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन आपका इंटरस्टेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रांजेक्शन में भले ही आपका ये मॉडल बिल टू शिप टू मॉडल है, लेकिन हमेशा बिलिंग लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ये कहना गलत है इन केस ऑफ सर्विस। क्योंकि मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि मैं कंक्लूड करता हूं और रिपीट भी करता हूं, गुड्स के केस में, गुड्स के केस में यू हैव द वन सेपरेट प्रोविजन बाई विच यू कैन से, बाई विच यू कैन से दैट लोकेशन ऑफ बिलिंग पार्टी का लोकेशन उसका जो बिजनेस प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बट सेक्शन 12 में एज सच कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है, आपको देखना पड़ेगा सबसेक्शन 3(2) सबसेक्शन 14 कवर है। अगर ऐसा है तो आपका जो ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ द सप्लाई होगा, आपको अपना उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल निकालना होगा। अदरवाइज आई कैन से इट विल बी कवर्ड अंडर 12 सबसेक्शन 2 विच सेज दैट लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ द सप्लाई अगर एड्रेस अवेलेबल है। सो इन दैट केस आई एम ओके विद दैट, बट अदरवाइज जैसा मेरा एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का था, प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल में प्लेस ऑफ द सप्लाई 12 सबसेक्शन 3 में कवर है, तो एक्चुअली भले बिल टू शिफ्ट टू मॉडल का केस है, मैं मान लूंगा ये सर्विस इसको रिसीव हुई है मिस्टर ए को, बट प्लेस ऑफ द सप्लाई क्या होगा, ए का लोकेशन नहीं बी का लोकेशन होगा। आई होप इट इज क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द क्वेश्चन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द चैट और कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।